हाँ बस 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 ये फट ना जाए। पापा वाला कहना है पापा को पड़ता है ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बस अभी नहा था हमको मालूम था। छोटी बच्ची हूँ। हम बस अभी ज्यादा कुछ नहीं बात करते, अब बस केक काटते हैं। मेरा बड़ा मन है केक खाने का। चलिए 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 शुरू हो जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हनी सबसे बेस्ट भाई है तुम्हारा। अरे सबसे लास्ट में। हाँ ये अपने वक्त भी तो ऐसे ही करता है। तो आप ये देखिए बहुत सुंदर सा केक, इसमें दीदी परी बनी हुई है, ठीक है। और ये बिहार मोंजिनीस की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है और जो कि भैया चलाते हैं। भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे फिर से मैथिली को। ऐसा लग रहा है मेरा सातवां या आठवां बर्थडे हुआ है। सही में ऐसा सजावट भैया मेरे पे कर देता ना, मैं जान लुटा देता। सही में थोड़ा जान बचा, अगले अगले साल के लिए जान बचा के रख रहा हूँ। अभी क्या लाए हैं मेरे लिए आप? तुम्हारे लिए घड़ी लाए हैं। अरे ओ बहुत, अभी इसको खोलूंगा तुरंत। अभी तुरंत खोलेंगे। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे इसको। बर्थडे मेरा है और इसको गिफ्ट मिला है। सबको गिफ्ट मिला है। सबको इतना सुंदर घड़ी। ओहो ओवा क्या बात है। हमारे यहाँ घड़ी मिलने का मतलब अब एक नया जिम्मेदारी मिलना। जिम्मेदारी मिल गया मतलब मेरे को? हाँ, आज से मिल गया। आज से मिल गया। हर चीज तुम वक्त पे ही कर सकते हो। दोनों ऐसी करके पहनेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़िया तो बेटर बनना भी पड़ेगा ना। ये बोल रहा था अभी कि मेरा बहुत ज्यादा बेटर है भाई। कुदरत ना अपने मालिक को खुद ही चुनती है, ठीक है। भैया आप पार्शियलिटी कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, पार्शियलिटी कर दिया। मालिक बनना पड़ता है। हो गया देख। बहुत बढ़िया है ये। देखिए जिम्मेदारी जो है ना वो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया मेरे को एक टाइम पे, तो मेरे को थोड़ा जिम्मेदारी को छोटा करवाना पड़ेगा। मेरे को जिम्मेदारी छोटा करवाना पड़ेगा, लेकिन वो करवा लेंगे। आपका भी जिम्मेदारी भारी पड़ गया क्या? हाँ, ज्यादा भारी हो गया। अब उसको भी छोटा करवाना पड़ेगा, लेकिन जो भी अच्छा लग रहा है। ब्राउन सिल्वर। अभी मैं, मेरे भाई साहब और मेरे बड़े भाई साहब अभी जाएंगे खाने पे, ठीक है। खोल देना ना। खोलिए छोटे भाई। बाय बाय भैया, दोबारा दिल्ली आएंगे तो पक्का पक्का। और मोंजिनीस से केक आना चाहिए। और मोंजिनीस का तुम्हारा कोकोनट बिस्किट इस बार ठीक है। ठीक है, वो लेके आइएगा, लेकिन अगली बार पक्का पूरा एक कार्टन। हाँ 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 ठीक है। ओके बाय बाय। नॉर्मली मतलब इतना एक्साइटेड हो गया मैं आपका। वहाँ देखा मैंने, मैंने कहा वही है, मैं तो नहीं हो सकता ऐसे। मैंने खोला फिर मैंने कहा अंदर बुला नहीं। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ भाई बाहर ऑन ड्यूटी में, मैंने देख के आऊंगा। काफी अच्छा लगा दोस्तों इनसे मिल के। मैं उत्तराखंड से हूँ, पंकज पाठक। मैं भी थोड़ा वीडियो बनाते जाता हूँ तुम्हें, ये अच्छा लगा। आप मुझे मतलब बिलीव नहीं हो गया आप लोगों को करके। बहुत बना रही हो जी जी दोस्तों। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जिनसे ऋषभ भाई से मिलकर। अच्छी ठाकुर तो इनको देखते हैं ना, मतलब मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी जो हमारे पूरे परिवार के सब कुछ बहुत अच्छे इनके फैन है। इनको मतलब इन्हें हमारे पहाड़ी गाना जो गाया था बहुत पहले, सुबह रे सुबह कई बात हो गई। आप मतलब इतनी कला कहाँ से आई आपके पास? पहाड़ी भी, गुजराती भी, हर हर भाषा में आप लोग गाना गाते हो ना? जी जी। तो मुझे बहुत प्यारा लगा दोस्तों मिलकर, बहुत ही मतलब मैं आनंद हो, मजा आ गया मुझे। तो चलिए जितना भी खाना पीना था और शॉपिंग जितना करना था दीदी को वो कर लिया है। अब दूसरे गेस्ट दीदी के इंतजार कर रहे हैं घर पर, तो हम दोबारा घर के लिए रवाना हो चुके हैं। इतनी सारी गाय कहाँ जा रही है? घूमने का मन है आज। देखिए कैसे भाई साहब
सुंदर सुंदर कंकरे जाने पापा मथुरा की गाय। क्या बात है दीदी, आज तो मिठाई, आज तो मिठाई यार। और मिठाई। तो चलिए अब गेस्ट वेस्ट भी चले गए हैं और ये बहुत बहुत मतलब क्या बोले मतलब मिठाई का भरमार रहता है। तो मुझे और मम्मी को बुलाया है उन्होंने कि जब ये लाइव बन रहा होगा ना तब ऐसे करके आपके मुंह ही में डाल देंगे, ठीक है। और गरम बनता है वहां पर, तो वो भी आपको दिखाएंगे जल्द। आज तो मतलब मैंने आपको अपना मुंह ही नहीं दिखाया, देखिए तो आज क्या हुआ दिन भर। आपको सारा दिखा रहा हूँ लेकिन मुंह से भी थोड़ा बता देता हूँ कि सुबह उठा मैं दूसरे वाले घर पे था, ठीक है। और आना जाना होता रहता है, मतलब जिसका जो मन हो गया ना उस घर में चले जाता है वो बिना पूछे, मतलब समझिए जो मन करता है वो कर लेता है, ठीक है। तो मैं सुबह आया और बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे, जो कि मेंजोनीस जो कंपनी है बिहार में, दीदी उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो वहाँ से कॉल आया कि भैया हम लोग ना 4-5 आदमी को भेज रहे हैं, आप लोग बस घर का एड्रेस दीजिए। हाँ दोस्त चावल थोड़ा नीचे वो सजा के मतलब एक नंबर कर देंगे घर को, मतलब ठीक है। और तो ये कर ही दी और क्या, कितना बढ़िया, इतना मेरे बर्थडे पे आप लोग कर दिए होते ना, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं बिहार में लौट जाता आपके पास, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। और फिर हम लोग खाना खाने गए, भैया ही थे साथ में। और फिर शाम में एक आंटी जी आई, ठीक है, और वो उनकी मिठाई का बहुत बड़ा कंपनी है, तो वो इतना सारा मिठाई लाई, वो भी दिखा दिया मैंने आपको। मतलब अब मैं मुंह में मेरे को पानी आ रहा है जैसे मिठाई का नाम ले लेता हूँ। और बाकी दीदी से थोड़ा बता ली, दीदी से थोड़ा बात करिए, ठीक है। अरे दीदी सुनिए, मुंह नहीं दिखाया यार। हैप्पी बर्थडे। अरे तो मेरे को कहना चाहिए था ना हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आप कितने साल की हो गई? नहीं बताते, मुझे बताने है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग खुद मेहनत करो ना, जाके इंटरनेट पे देखो, ठीक है। 2000 में जन्म हुआ है और थोड़ा देख लीजिए फिर और क्या। हाँ हाँ सिंपल। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, सच्ची में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये मम्मी का पसंद का कपड़ा पहन रही है इसीलिए, देखिए मम्मी मेरे देखो कितनी सुंदर। मम्मी क्या किया अभी? ओके ठीक है। और अभी मुझे जाने का मन कर रहा है दूसरे वाले घर पे, क्योंकि मेरा बहुत सारा पौधा वहाँ पे है ना, मेरे को यहाँ पे मन ही नहीं लगता है। और बाकी अपने अपार्टमेंट का नीचे कुत्ता भी है, उसके साथ भी मेरे को शाम में थोड़ा सहलाना पड़ता है ना, और 2-3 दिन से मैं इधर ही था तो मेरे को बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। हेलो क्या हाल है? ठीक है आज क्या हो रहा है भाई, अपने मुंह से थोड़ा बता दीजिए आप। मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, आज 26 है ना, 26 जुलाई, ठीक है, 24 आज मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आज लास्ट हो रहा है, लास्ट हमारा मुलाकात हो रहा है अभी, मिल रहे हैं उससे। अब आपको देखिए इतना ज्यादा पसीना लग रहा है, ये पसीना ही है क्योंकि ये जा रहा है ना, मुझे पहले से पता था, ठीक है, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा था कि ये कहीं में जाएगा भी, मुझे लग रहा है मजाक कर रहा था। तो क्या हुआ, दीदी का बर्थडे था 25 तारीख को, मैं इस घर में आ गया सारा पूरा सेलिब्रेट करके, फिर मेरे को ये रास्ते में दिखता है, फिर बोलता है भाई मैं सुबह जा रहा हूँ, कल सुबह जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को इतना ज्यादा झटका लग गया, इतना ज्यादा मतलब मेरा हार्ट ब्रेक हो गया कदम से, मैं रात में कुछ भी खाया नहीं, ठीक है। और जब से ये बोल रहा है कि मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, तो मैं 1-2 घंटे से यहीं पर हूँ नीचे इसके साथ, मौज मार रहे हैं अभी, और लास्ट आधा घंटा और है, आधा घंटा होगा, ठीक है। और बाकी देखिए मैं एकदम कुर्ता उर्ता पजामे में हूँ अभी, और आज रिकॉर्डिंग था तो पसीना, जब तक भाई तू अलविदा नहीं करेगा ना तब तक मैं ऐसी तरह ऐसे टुक टुक निहारते रहूंगा, ठीक है। इसके साथ एक लास्ट जोक मारते हैं, वाई 10+10 एंड 11 एंड नहीं वो इंग्लिश में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वाई 10+10 एंड 11+11 इज 20 बिकॉज 11+11 इज 22। समझ नहीं आ रहा तेरे को? नहीं एक्चुअली 10+10 क्या होता है? 20 11+11 क्या होता है? 22 हो तो क्या? बिकॉज 11+11 इज 22। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद अब समझ आया। अच्छा पीछे जो सामान पैक हो रहा है इसका, वहाँ पे लोग हल्ला कर रहे हैं, ठीक है भाई। फिर मिलने कब आएगा मेरे से? मिलने भी आऊँगा 15-20 दिन में, एक बार तो मिल ही लेंगे आखिर बार। 15-20 दिन में मिलने आऊँगा। देखिए आपको पता है जो दोस्ती जो होती है ना वो एक तरफा ही हमेशा से चलती है, जैसा मेरा ओपिनियन जैसा है, ठीक है। तो ये ऐसा भाई दोस्त भी नहीं बोल सकते, ये भाई था, ठीक है।
ये मेरे पे हाथ चला दे, मुंह से मारा पिटी को, ठीक है, मुंह से कुछ भी बोल दे, लेकिन जिसको मैंने अंदर से भाई माना ना वो यही था, अकेला ये था, बाकी बाहर से थे ये कुछ भी बोल दे, कुछ भी मारपीट कर ले, ये अकेला आदमी था जो मेरे पे हाथ उठा सकता था, खुल्लम छूट, खुल्लम, ठीक है। और बाकी मैं तो ये याद करूँगा कि मेरे को मारेगा कौन, क्या मैं ये याद करूँगा कि मेरे को मारेगा कौन, मैं आता रहेगा मेरे टॉनिक देने के लिए मुझे टॉनिक की जरूरत पड़ती है, तो आना पड़ेगा बीच बीच में, मैं सुधर जाऊँगा इसी बहाने, छोटा है मेरे से, देखना ऐसे बात करता है। मैं इसको एक और आइडिया दे रहा हूँ कि ना देख, तेरे घर के बाद ना फिर कोई न्यू रेंटर आएगा या कुछ भी, जो भी आएगा खरीदने वाला ही आएगा, तो इस घर को साफ नहीं रहने देना है। एक पेंसिल मैं अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है, मार्केट क्या बात है, तो जितना तू रंगदारी कर सके उसमें दीवार के साथ कर दियो, ठीक है, और बाकी वो लोग देखे अपना। भले ही मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ, ठीक है, लेकिन बाय बाय हक तो बनता है, आजा भाई, ठीक है। अब मेरे को इसको अलविदा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी खुद भी निकलना है, तो फोन आ गया था अभी भाई का कि भाई जल्दी आ जा 10 मिनट में, अपनी गाड़ी से निकलना है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, ठीक है, आगे वैसे आप बड़े ऑफिसर बन जाए, और जब बन जाए तो मुझे भी थोड़ा हेल्प करें, ठीक है, जैसे मैं गुंडा उंडा लोग के बीच में फंस जाऊँ ना तो बचाने आ जाइए, ठीक है। अरे ये शिफ्टिंग का एक वजह और है कि इनके पापा ना वो है आर्मी में, तो उनका जो क्या चेंज होता है, पोस्टिंग जब आती है तो घर भी चेंज होता रहता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, तो वही हो रहा है अभी, और वहाँ पे भी 3 साल रहेगा जहाँ पे, फिर चेंज हो जाएगा, फिर कहीं और, तो ऐसे ही होता है, तो थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में होता यहीं पे रोक लेता, अपने घर में बुला लेता इसको, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी इसके उज्ज्वल जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इसको। थोड़ा पॉलिटिशियन स्पीच है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा करें लाइफ में अपने, ठीक है, और हाइट बड़ा हो गया, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। उम्मा मैं कैसी लग रही हूँ आज, जिंदगी में पहली बार क्या हुआ है, मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ कोई बता रहा था, हाँ जिंदगी में पहली बार क्या हुआ है, जब मैं दीदी को पिकअप करने के लिए गया ना, जैसे दीदी ने गेट खोला तो इतनी सुंदर लग रही थी, क्योंकि देखो सही में, क्योंकि ना आज ना दीदी ने ना मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, और इसमें आदमी का अलग ही लगता है कि अरे भाई कोई तो है, मतलब है ना, तो अच्छा लग रहा था, आपको अच्छा दिखा देता, लेकिन देखिए ना बारिश ही हो गया, कितना ज्यादा बारिश, और कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए क्या बात है बड़े भाई। आपको एक चीज और बताता हूँ, वहाँ पे जाते एल देख रहे ना, एल तो बाय चांस इसने अगर बाय चांस अगर इसने किसी को ठोक दिया तो बोल सकेंगे कि नहीं भाई मैं तो लड़ था, प्लीज छोड़ दो मारो मत। फिलहाल तो बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है और सब लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी स्टूडियो, हम भी बस पहुंचने वाले हैं, और आज हम ढेर सारे गीत रिकॉर्ड करेंगे। देखिए लोग बारिश से बचने के लिए इधर पुल के नीचे सारे बाइकर्स इकट्ठे जाते हैं। हमारे घर में फुल फेमिनिज्म चल रहा है, ठीक है आंटी कोई बात नहीं, याद रखूंगा मैं अभी। नहीं नहीं आंटी सही में मैं याद रखूंगा। क्या हो रहा है अभी, केक आ गया, क्यों क्यों, कल था ना बर्थडे भाई, ऐसे ही हम तो ऐसे ही करते हैं भाई। दिन बहुत स्पेशल है इसलिए मेरा आना तो बनता है, मैथिली का बर्थडे और मैं ना हूं ऐसा हो नहीं सकता ना। और जब जब या तो हम मुंबई जाते हैं या तो दिल्ली आते हैं, हम लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ गा के रिकॉर्ड जरूर करते हैं, आप लोगों के लिए पोस्ट करते हैं। सोनचिनीज वालों ने फिर से मेरे लिए नया केक भेज दिया है, और ये तो प्रिंसेस केक है, हम लोग काटेंगे केक। लाल हुए हैं कुलवा के दीपक, महिमा में आस लागल हो, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देख लीजिए आज दोबारा से, हां तो बॉडी आज दोबारा से हमारे रज भाभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजा जी, ओहो राजा जी, ए 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 रा
मुझ पे दौलत है, कुत्ता नहीं मिलेगा। अरे देखिए देखिए घर में आके पापा का और मान चढ़ा दिया दीदी आकर के। आते आते राजू ने मुझसे बोला कि दीदी आप से एक रिक्वेस्ट है पापा को बोले कुत्ता रखने के लिए। मुझे पहले तो कुत्ता सुनाई नहीं मिला, कुर्ता के लिए क्यों ऐसा बोल रहा है। बाद में मुझे बाल मिला, मैंने बोला हाँ नहीं बिल्कुल। उसके बाद मतलब कि ये कुर्ता नहीं कुत्ता, तुम्हें तो पता नहीं कुर्ता पा रहा है कुत्ता। मैंने कुत्ता सुनते ही मेरी तरफ से बिग नो। आज पापा को थोड़ा थोड़ा मना लिया था मैं, ठीक है कि मतलब हाँ हाँ कर देंगे। आज आके पूरा मन आज आके मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। हम सब यहाँ पे आ गए इससे, मतलब हमको एनिमल से ऐसा नहीं है कि नफरत नहीं है, पर हमको दूर से अच्छा। ये लॉजिक नहीं समझ आया मुझे। मतलब उनको आजादी दो ना यार, उनको क्यों कैद करो, उनको आजादी दो ना यार। कुत्तों को तो थोड़ा अच्छा लगता खुले है इस टोला में से दूसरे टोला। अपने अपने एरिया में अपने अपने एरिया के शेर होते हैं। अच्छा लगेगा उनको बंद बांध देते अपने शॉप के लिए। उनको सुसु 40 का भी टाइम बंद हो जाता है। हम अपने हिसाब से उसको ठीक करने लगते हैं ना, अभी उठना अभी सुसु करना अभी पोटी करना है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। अरे फिर तो कोई जानवर ही नहीं बने रहे। तू अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो। हम सबको पाल रहे हैं कि नहीं। बहुत लोग का जीजा जी को पतियाना। अरे इनके जीजा जी को बुलाया जाए। इनके नहीं मेरे जीजा जी अभी भोपाल में है, वो भास्कर में। अपने लोग के जीजा जी को थोड़ा बुलाया जाए, थोड़ा वो मॉडल खर्चा लेंगे। हाँ माहौल को थोड़ा डाइजेस्ट करेंगे, इनको चिप करा देंगे। हाँ हाँ वो होना चाहिए थोड़ा सा। आज पूरा नेगेटिव माइंड तुम ऐसे बोलो। मेरे अपनी जीजा जी। हाँ मेरे अपने जीजा जी को बुलाया जाए। दीदी बहुत 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 अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा, ढेर सारा खाना खाया। आज फिर से मम्मी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। आप हमेशा अच्छा खाना बनाती समझे। क्या बात है, आप जरूर आइएगा दोबारा। बिल्कुल कल ही मिलते हैं। कल ही मिलते हैं।